ये है पिक टूल का यूज देखिएगा, इसको इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, इस तरीके से भी बड़ा कर सकते हैं, तो इसी तरीके से समझ लीजिए कि छोटा कर सकते हैं और इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। हम अगर कॉर्नर से करें तो विड्थ और हाइट दोनों का ध्यान रखते हुए बड़ा होगा, मतलब ये अपना रेशियो मेंटेन रखेगा। कॉर्नर चारों में से कोई भी हो सकता है, हम अगर मिड पॉइंट से करें तो भी चारों में से कोई हो सकता है, चाहे नीचे लेफ्ट राइट या ऊपर का, और अगर हम कॉर्नर से करें तो भी कोई हो सकता है, हम इधर 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 या फिर इधर, जिधर से चाहे। इसी को अगर हम शिफ्ट के साथ करेंगे, शिफ्ट के साथ देखिए, शिफ्ट दबाएंगे और इधर से करेंगे तो ये दो साइड से होगा, हम खींच रहे हैं राइट लेकिन हुआ साथ ही साथ लेफ्ट का भी, देखिए छोटा भी कर रहे हैं तो लेफ्ट से भी छोटा हो रहा है। बिना शिफ्ट के करते हैं तो सिर्फ एक साइड से होता है, शिफ्ट के साथ करते हैं तो दोनों साइड से होता है। अगर हम इसी तरीके से ऊपर की ओर खींचेंगे तो नीचे भी बढ़ेगा, छोटा करेंगे तो नीचे से भी छोटा होगा। अगर हम कॉर्नर से करें, कॉर्नर से शिफ्ट के साथ करें तो चारों साइड से बड़ा होगा, चारों साइड से छोटा होगा, हम जहां पे छोड़ेंगे ये शेप वैसा ही रह जाएगा, हमको जैसा चाहिए हम वैसा कर सकते हैं। तो आप देखें पिक टूल का यूज में क्या देखें, देखिए कोई भी शेप ड्रॉ किए फिर पिक टूल का यूज में यही देखें बेसिकली कि अच्छा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट जब करना होगा तो पिक टूल का इस्तेमाल करेंगे, यानी किस, और इसके अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज में अगर कोई परिवर्तन लाना होगा तो भी हम पिक टूल का ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि सबसे फर्स्ट टूल है पिक टूल। साइज बढ़ाने या घटाने के क्रम में अगर हम शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करें तो वो समझिए ड्यूल साइडेड होता है, मतलब अगर राइट साइड से कर रहे हैं तो शिफ्ट के साथ करते तो उतना ही बड़ा लेफ्ट साइड वाला भी सेफ होता, अगर हम नीचे से करते तो उतना ही ऊपर तक ऊपर वाला भी लाइन जाता हमारा, और अगर हम कॉर्नर से करते और शिफ्ट के साथ करते तो चूंकि कॉर्नर से एक रेशियो में होता है सिर्फ नीचे की ओर शिफ्ट के साथ करेंगे तो चारों साइड इस तरीके से बड़ा या छोटा होगा। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पिक टूल देखिए, ये शेप है, हम अगर डबल क्लिक कर दें अब तो ये मेरे पास स्क्यू आया और ये रोटेट आया, ये रोटेट है और ये स्क्यू है। हल्का अगर स्क्यू करने का मन हुआ तो हम स्क्यू कुछ इस तरीके का डिजाइन कर सकते हैं, और अगर रोटेट करने का मन हुआ तो ये रोटेट कर सकते हैं, और जैसे रखने का मन होगा वैसे रख सकते हैं। और शेप चाहे कोई भी हो, ये हम दिखा भले ही रेक्टेंगल के साथ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, अगर ये सर्किल है तो इसके साथ भी हम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, हमको जितना रोटेट करना होगा हम कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ रोटेशन इसे कहा जाता है सेंटर पॉइंट, अगर सेंटर पॉइंट हम यहां रखें, अगर हम यहां रखें और रोटेट करें तो केंद्र उसको मान करके रोटेट होगा, अगर रोटेशन पॉइंट हम यहां रखें तो केंद्र भी इसको मान करके रोटेट होगा, अगर रोटेशन पॉइंट हम यहां रख दे तो केंद्र भी इसको मान करके रोटेट होगा, अगर रोटेशन पॉइंट हम यहां रखें तो केंद्र भी इसको मान करके रोटेट होगा। ये देखिए पिक टूल ही है, इसको हम अगर ऐसे मूव करते हैं तो मूव होता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मूविंग अगर राइट क्लिक कर दिए तो डुप्लीकेट, ये जैसे बहुत जगह आप जो डिजाइन्स देखते हैं लाइक दिस, इधर से कलर भर सकते हैं आप, ठीक नहीं, शिफ्ट के साथ ऐसे राइट क्लिक साथ में कर देंगे, राइट क्लिक यहाँ पे बन गया है सेफ,
देखिए चूंकि ब्लैक कलर है इसलिए दिख नहीं रहा है, इसको वाइट कर देते हैं। अब जो भी है वो आप देखिए, हमने सिर्फ आपको दिखाया, आप जितना आप इस पे सोच सकते हैं, जैसा सोच सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर ये एलिप्टिकल एक शेप है, सेंटर अभी यही रहने देते हैं, डबल क्लिक इससे होता है रोटेट, और साथ ही साथ कर दिए राइट क्लिक। अब यहां पे एक चीज और है कि अगर हम कंट्रोल डी प्रेस करें तो जो लास्ट मूवमेंट पे हमारा डुप्लीकेट हुआ था, लास्ट मूवमेंट पे जो हमारा डुप्लीकेट हुआ था, वही मूवमेंट के साथ अगला डुप्लीकेट हो जाएगा। नतीजा ये, कंट्रोल डी दबाए रह जाइए, नतीजा ये।